हाय एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट का लैंग्वेज चेंज करने के लिए बताऊंगा। अगर आपको बाय मिस्टेक इंग्लिश से हिंदी हो गया, क्योंकि हिंदी तो सबको आती है लेकिन कंफर्टेबल नहीं लगता है फ़ोन में चलाने में बहुत से लोगों को, तो गाइस यहाँ पर हम लोग फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करेंगे जैसे ही, तो कुछ ऐसा इंटरफेस तो होगा। ये चीज़ें टोटली जो है हिंदी में हो गई, आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें। सो आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट पर अगर क्लिक भी करते हैं, तो अगर इसको बाई करना चाहते हैं, ख़रीदना, तो यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल आप हिंदी में देख रहे हैं, और यहाँ से कार्ट में डालें, अभी खरीदें, कुछ सभी चीज़ें हिंदी में। तो इंग्लिश में करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ से करना क्या होगा। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसा स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, भाषा चुनें और चूज करें, तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ से एक आएगा मेरी प्रोफाइल, मेरा अकाउंट, तो यहाँ से भी आप जो है गाइज आप यहां से भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग, मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। यहां से आप जैसे क्लिक करोगे इस पर, तो उसके बाद आप जो है ये हो गया हिंदी। अब यहां से जो लैंग्वेज आपको चूज करना चूज करो, तो इंग्लिश हम लोग सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद ये हो गया अपना जो है गाइज प्रॉपर। अभी जो आप देख सकते पूरा ये टोटल जो है न्यू तरह से अपडेट हो गया है, और इसको हम लोग बैक करते हैं। बैक करने के बाद आ जाते हैं फिर से यहाँ पर, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से अकाउंट में। इंग्लिश में जैसे आप करोगे तो पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा, अगर आप प्रेजेंट टाइम में जो है इस फ्लिपकार्ट ऐप को अपडेट किए हो तो। उसके बाद वहाँ से वो ऑल ऑफ हो गया, हिंदी में रहेगा तो वहाँ से ऑप्शन देगा, देन यहाँ से आपको यहाँ अकाउंट पर आ जाना। अकाउंट पर आने के बाद आपको यहाँ से लिखेगा चूज लैंग्वेज, भाषा चुने, यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके जो है अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।